हेलो गाइस, मेरा नाम है पूर्व अग्रवाल और आपने इससे पहले मुझे इम्परफेक्ट टेल्स के चैनल पे देखा होगा। और जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम इस वीडियो में देख रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ। पिछले 6 साल से मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में और मोस्टली मेरा जो फोर्टे है वो डॉक्यूमेंट्री और ट्रैवल वीडियोज़ का है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पे इम्परफेक्ट टेल्स, और काफ़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस उस पर हमने शूट करके डाली हैं। मेन यूएसपी ये है कि वो सिर्फ हम 2 या 3 लोग ही उन वीडियोस को शूट करते हैं। हालांकि उस क्वालिटी की वीडियो जब कोई चैनल प्रोड्यूस करता है तो एटलीस्ट 10 से 15 लोगों की मिनिमम टीम होती है, तो एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और आई थिंक आपको वीडियो ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो आपने स्टार्टिंग में एक प्रोडक्ट ऐड देखा होगा जो कि एक कैमरे का था। मैं आप लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ। ये एक मेरे पास एक्चुअली कैमरा पड़ा हुआ था, काफ़ी पुराना कैमरा है ये और इसमें रील डलती है तो बेसिकली वर्किंग नहीं है। बट मेरे माइंड में सडनली थॉट आया कि क्यों ना फर्स्ट अब व्लॉग बोल लीजिए, अब वीडियो इसी से स्टार्ट करी जाए, बिकॉज ये मेरा 40 में मैं कंफर्टेबल रहूँगा। तो मैंने इसका प्रोडक्ट शूट एक ऐड करा जो भी मेरे पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज थे। हालांकि मुझे पता नहीं था कि ये जो प्रोडक्ट शूट मैं करने वाला हूँ इसको मैं अपने फर्स्ट उसमें वीडियो में यूज़ करूँगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो, और मे बी ये मेरी नेक्स्ट वीडियो का पार्ट हो सकता है। अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारा सेटअप है और ये आपका नाम मोहित, ये मोहित है, ये हमारा सेटअप हमने इधर किया है जिसमें हम प्रोडक्ट शूट एक ट्राई करने वाले हैं और देखते हैं कैसा रहता है फिर। तो इस वीडियो के अगर हम बिहाइंड द सीन प्रोसेस के बारे में बात करें तो हालांकि प्लान नहीं था, तो मैंने एक अपना जो सेकंड कैमरा है मेरा फूजी फिल्म XT100 उसको एक जगह मैंने सेटअप कर दिया था। मोस्टली उसी से शॉट लिए थे, ज़्यादा डिटेल शॉट मैंने नहीं लिए थे। बेसिकली हमारे पास पीछे एक ब्लैक मेरे पास बैकड्रॉप था और उसको हमने यूज़ करा एज अ बैकग्राउंड। उसके बाद मोस्टली जो शूट हुआ है, जो सारे शॉट्स लिए हैं, वो मैंने सोनी α7 III पे और टैमरॉन 28-75 पे मैक्सिमम सारे शॉट्स लिए हैं। बिकॉज एक तो स्पेस जितना लिमिटेड था उसके अकॉर्डिंग इतनी फोकल लेंथ ही रिक्वायर्ड थी। बाकी मैंने अपनी लाइट्स यूज़ करी थी, उसमें गोडॉक्स की SL60 लाइट यूज़ करी थी, प्लस मेरे पास एक RGB लाइट भी है तो मैंने थोड़ा सा इफेक्ट उस पर डालने के लिए फ्लैश और वो सब यूज़ करा था। बेसिकली ये सारे रेफरेंसेज मैंने अलग अलग वीडियोज़ से लिए थे, जैसे कि डैनियल शेफर्ड्स का एक चैनल है, वो भी बिहाइंड द सीन वीडियोज़ बनाता है, तो उसके मैंने रेफरेंसेज लिए थे, बाकी और कुछ चैनल्स थे। सो इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि मेरे साथ मोहित भी है जो कि मुझे अभी रिसेंटली उसने ज्वाइन करा असिस्ट करने के लिए। तो मैं बेसिकली उसको अभी शॉट्स लेने के लिए या फिर कौन सा लेंस यूज़ करना है, क्या हम शॉट्स ले सकते हैं, वो सब भी ज़्यादा उसको गाइड करने का मैं इसमें ट्राई कर रहा था। बाकी इस वीडियो का जो एडिट करा है वो मोहित ने ही करा था, तो जब मैंने फाइनल रिजल्ट देखा मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा और आई थॉट कि इसको हमें यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ही इनफैक्ट नेक्स्ट डे ही लॉकडाउन इधर दिल्ली में हो गया था, तो वैसे भी हमें रीशूट करने के लिए पता नहीं टाइम मिल भी पाता या नहीं। बट एनी हाउ, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट वीडियो थी। आई नो इसमें थोड़ा सा और डिटेल्ड में शॉर्ट्स मिसिंग हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस चैनल का मेन पर्पस ये था कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो ये सारे एक रीजंस हैं कि बिहाइंड द सीन्स वीडियोस और प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर भी कर पाऊँ, जिससे कि ये इंटरेस्टिंग भी रहे वीडियोस। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से भी बताना चाहता हूँ। आई नो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी बट आई डोंट केयर रियली। इनिशियली जब हमने इम्परफेक्ट टेल्स स्टार्ट किया था वो उस वक्त हम मुंबई में थे और सिर्फ 2 लोग थे, मैं और पूजा। हम दोनों ने ये सोचा और स्टार्ट करा। पहले मैं काफ़ी हेजिटेंट था कि मुझे YouTube पे स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल कि उससे इतना रेवेन्यू जनरेट होगा भी या नहीं। बट एट द सेम टाइम हम दोनों को ये भी लगता था कि जो स्टोरीज हम ढूंढ पाते हैं, हम देख पाते हैं, बहुत सारे लोग वो नहीं देखते हैं।
और क्योंकि ये हमारा पैशन है फिल्म मेकिंग का, तो हमने सोचा कि हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं मिनिमम, और कुछ हम सेविंग्स के साथ खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं उनमें, तो क्यों ना खुद से ही वीडियो बनाई जाए, बिकॉज अभी इंडस्ट्री का भी इतना अच्छा हाल चल नहीं रहा है। और तो हमने ये चैनल स्टार्ट करा था लास्ट ईयर जब कोविड स्टार्ट हुआ था, तब फर्स्ट वीडियो जो डाली थी हमने वो एक डॉक्टर के ऊपर थी, जो कि बहुत सारे पेट्स जिन्होंने अपने घर में रखे हुए थे, अलग अलग टाइप की बर्ड्स थी और डॉग्स थे काफ़ी सारे, और उसके अलावा कैट्स थी, मतलब वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। कैच ये है कि वो हमने ऑलमोस्ट जब लास्ट ईयर डाली थी, उससे 6-7 साल पहले हमने शॉर्ट करी थी वो, व्हेन वी वर इन ग्रेजुएशन, तो कभी उसको एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया, तो हमने सोचा क्यों ना इनिशियली इसी से स्टार्ट करें। तो हमने फिर वो भी लॉकडाउन के टाइम पर एडिट करके और उसको पेज पे डाला था, तो उस पर रेस्पॉन्स काफ़ी ठीक आया था आई वुड से। कि उसके बाद फिर हमने उस पर कुछ पोइट्री वीडियोज़ डाली, एंड फाइनली हमने एक बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, एक हमने डॉक्यूमेंट्री डाली थी उस पर, मृत्यु देवी महाकाली, उस पर हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी हमारी टीम ने, और स्पेशली शूट के टाइम पे सिर्फ 3 लोगों ने इतना बड़ा इवेंट वो कवर करा था, और वो आप ज़रूर चेकआउट करें बिकॉज उसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है। इट्स जस्ट दैट कि उसकी रीच अभी इतनी लोगों तक पहुंच नहीं पाई है, तो वो काम दिख नहीं रहा है, तो प्लीज़ आप उसे अगर शेयर भी करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी, इनफैक्ट आई वुड से कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए काफ़ी वो बेनिफिट होगा। और उसके बाद ही मेरे माइंड में आया था कि मुझे एक सेकंड चैनल भी स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें कि मैं और ज़्यादा इंटरेक्टिव वीडियोस, और भी काफ़ी थॉट्स आते हैं, रैंडम थॉट्स आते हैं इंटरेस्टिंग, जो कि शेयर करे जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा था काफ़ी टाइम से कि मुझे सेकंड चैनल अपना स्टार्ट करना चाहिए, बट वो भी काफ़ी डिले होते गया, बिकॉज हम दोनों के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो जाता है कई बार, कि इतना कंटेंट क्रिएट करना है, वो भी कि 0 बजट में, और जितने रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं सिर्फ उन्हीं के साथ, तो आप किसी को अल्टीमेटली पे नहीं कर रहे हो, तो आप किसी से ये नहीं बोल सकते हो कि हमें अपनी डेडलाइन के अकॉर्डिंग काम चाहिए, जैसे कि वॉइस ओवर हो जाता है या फिर बहुत सारी ग्राफिक्स की चीज़ हो जाती है, तो वो सब मैनेज करना पड़ता है, और वो बहुत ज़्यादा अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है। तो उस बीच कभी टाइम मिल ही नहीं पाया कि इस चैनल के लिए भी वीडियोज़ डाली जाएँ, बट अभी अनफॉर्चुनेटली दोबारा लॉकडाउन अनाउंस जब हुआ, तो माइंड में यही आया कि इसको ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि कब तक हम जो चीज़ सोचते हैं वो करने का उसका टाइम है हमारे पास। तो अभी से स्टार्ट, मैंने सोचा कि अभी से क्यों ना स्टार्ट करा जाए इसे इसी लॉकडाउन में, और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा आने वाली वीडियोस में। और आप भी हमें सजेस्ट करिएगा कि किस टाइप की वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं और किस टाइप की हमें और बनानी चाहिए, तो डेफिनेटली हम उस तरीके की वीडियो आपको बनाने की कोशिश करेंगे। और आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट ये चैनल का पर्पस ये था, और इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ड्यूरेशन से कि कितनी लंबी हो रही है नहीं, बिकॉज इस वक्त मुझे वही लोग सुन रहे होंगे, या इस पॉइंट पे भी मुझे वही लोग सुन रहे होंगे जो कि सुनना चाह रहे होंगे, जिसको कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा होगा बीच में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और प्लीज़ अगर हम और काफ़ी, मैं आपको बताना चाहता हूँ स्पेशली हम काफ़ी कैपेबल हैं बहुत अच्छे कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और इम्परफेक्ट टेल्स को भी सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को शेयर करिए, और हम फिर से कुछ ना कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग लाते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, मैंने कभी व्लॉगिंग करी ही नहीं है, तो आप लोग, मैं उसके लिए काफ़ी कॉन्शियस रहता हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या मैं ठीक कर पा रहा हूँ या नहीं, या फिर और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। प्लस मैंने सोचा था कि ट्रैवल वीडियोस भी व्लॉग टाइप में थोड़ा मैं डालूंगा इस चैनल पे, बट अभी तो ट्रैवल बंद ही है, बट लेट्स सी कि यही क्रिएटिविटी है आई थिंक, कि आप मिनिमम रिसोर्सेज में क्या आप आउटपुट निकाल सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो आई होप आपको आने वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी, तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिए, बिकॉज इस पर काफ़ी जल्दी वीडियोस, फ्रीक्वेंटली इस पर वीडियोस काफ़ी आने वाली है कंपेरेटिव टू इम्परफेक्ट टेल्स, बिकॉज वो प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लगता है उस टाइप की वीडियोस के लिए, बट ये इसका रीज़न ही ये था एक, कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस फ्रीक्वेंटली डाल सकूं और आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकूं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जितना मुझे शूट करने में आ रही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना आ नहीं रही है, बिकॉज एक तो इतनी गर्मी है यहाँ पे, और इस जिस जो कंडीशन में हम आप कैमरे के पीछे देखोगे तो कैसे ही शूट कर रहे हैं बस, तो बट
वो कुछ मैटर नहीं करता, फाइनल आपको वीडियो पसंद आनी चाहिए, आपको काम पसंद आना चाहिए, और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, बस एक लाइक और एक शेयर एक्सपेक्टेड है। तो अभी सम अप करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।